अभी जो बताने जा रहा हूँ वो आपका बोर्ड का इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब दो तीन मार्क वाला क्वेश्चन। स्टेट गॉस लॉ बोलने से आप क्या लिखोगे? हम लोग पहले से स्टेटमेंट लिख चुके हैं। क्या स्टेटमेंट लिखे थे? द नेट फ्लो ऑफ कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन 0, ऐसे करके लिख चुके हैं। तो उसी को ढंग से लिखना है। अगर एग्जाम में आया राइट कूलम्स लॉ, डोंट राइट के क्यू 1 क्यू 2 बाय आर स्क्वायर, राइट इट इन वेक्टर फॉर्म। वो तो बोलते हैं कभी कभार कि वेक्टर फॉर्म में लिखो, नहीं तो कूलम्स लॉ बोले तो वेक्टर फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है? तो वो नहीं पूछेंगे कि राइट गॉस लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म, लेकिन गॉस लॉ पूछे तो आपको इसी फॉर्म में ही आंसर देना है। तो मैं अब हेडिंग देता हूं गॉस लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म, लेकिन स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेंगे राइट गॉस लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म, देयर से स्टेट गॉस लॉ, ठीक है? गॉस लॉ का दो पार्ट हुआ, एक तो हुआ उसका स्टेटमेंट का मीनिंग क्या था, ठीक है? तो लिखेंगे लॉ का स्टेटमेंट ऐसे था, स्टेटमेंट से शुरू करते हैं, पूरा लिख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है। नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज्ड सरफेस, नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon 0 times the total charge enclosed inside the closed surface, ठीक है? अब इसका explanation लेंगे, explanation करके law का formula निकालेंगे। मतलब क्या था? नेट फ्लक्स कमिंग आउट दैट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसे करके गॉस लॉ कहता है। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। लेट अस कंसीडर ए क्लोज्ड सरफेस एस एसोन, चलो मानते हैं कि ये कोई एक क्लोज्ड सरफेस है, इसके अंदर कोई एक चार्ज है क्यू वन और से क्यू इनसाइड, हियर इज सम चार्ज से इट इज क्यू आउटसाइड, आउटसाइड भी चार्ज है इनसाइड भी चार्ज है, इनसाइड एक चार्ज नहीं है देर सारे हो सकते हैं बट दिस इज द टोटल चार्ज क्यू इन इज टोटल चार्ज इनसाइड, Q out, charge outside, ठीक है? ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें गॉस लॉ को समझाना है, जो चीज यहां पर देखें उसको वेक्टर फॉर्म में इंटीग्रल फॉर्म में समझा के लिखना है, ये हमारा काम है। अभी क्या जानते हैं हम? इसमें से जो फ्लक्स निकल के आएगा दैट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, कितना फ्लक्स निकल के आएगा? अब यहां पर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है? लेट ईपी इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, किसके लिए? ड्यू टू क्यू इन एंड क्यू आउट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आईआईटी जेई में आ चुका है ये वाला स्टेटमेंट। मैं बताऊंगा क्या क्वेश्चन, खाली स्टेटमेंट आया था उसमें ईपी क्या है पूछा था, ईपी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू इन ड्यू टू क्यू आउट ड्यू टू बोथ ड्यू टू नॉन, ऐसे करके दिया था। क्या होगा? इट इज ईपी इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू क्यू इन एंड क्यू आउट, ये दोनों के चलते यहां पर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कॉल इट ईपी। कुछ होगा, कितना है मालूम नहीं, कुछ होगा, डिपेंड करता है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कुछ है। लेट अस कंसीडर ए स्मॉल एरिया डीएस, डीएस वेक्टर, लेट डीएस इज ए स्मॉल एरिया ऑन द सरफेस एस ए पी, पी पे एक छोटा सा एरिया डीएस है, डी फाइव फ्लक्स
कमिंग आउट ऑफ दिस एरिया, आउट ऑफ दिस एरिया कितना फ्लक्स निकल के आ रहा है? अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, वेक्टर EP है और DS इज द एरिया हियर है, तो फ्लक्स कमिंग आउट का फॉर्मूला क्या हो गया? EP डॉट DS है कि नहीं? अभी अभी तो देखें, अच्छा इतना छोटा सा एरिया से ये फ्लक्स निकल रहा है, तो ये एरिया से क्या फ्लक्स निकल रहा है, ये एरिया से क्या फ्लक्स निकल रहा है, ये एरिया से क्या फ्लक्स निकल रहा है, ऐसे सारा को जोड़ देंगे तो टोटल फ्लक्स कमिंग आउट है ना। तो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं यहां पर, 10 नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्लोज्ड सरफेस क्या हो जाएगा? E डॉट ds जो निकला है उसका इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस एरिया s, ऐसे लिखने का मतलब हुआ इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस एरिया, इसको कहते हैं सरफेस इंटीग्रेशन। ठीक है, कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, गलत है, ऐसे लिखना सही है। डबल इंटीग्रेशन मतलब सरफेस इंटीग्रेशन होता है, या सिंगल इंटीग्रेशन लिख के ऐसे s लिखोगे सही होता है। कुछ लोग क्लोज सरफेस बताने के लिए ऐसे लिख देते हैं, गलत है, नेवर राइट। ठीक है, उसका मतलब कुछ दूसरा होता है, लाइन इंटीग्रेशन होता है, वो बाद में बताएंगे। फिलहाल E dot ds का क्लोज लूप इंटीग्रेशन आर माइन क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन फिर s इज द क्लोज सरफेस। ठीक है, दस नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस क्लोज सरफेस इज दिस। अब बाय ग्रॉस लॉ नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्लोज सरफेस फाई एसोसिएटेड इज नथिंग बट q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको आप क्या लिखोगे? E dot ds का सरफेस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया गॉस लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म, ये हो गया गॉस लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म। अगर आएगा कि राइट स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉस लॉ, तो आप लाके यहां से तो शुरू करोगे, ऐसे ऐसे जाओगे, घूम फिर के आओगे, इधर आके यहां पे खत्म करोगे तो फुल मार्क मिलेगा। अब आईआईटी जेई में क्या आया था? डायरेक्ट स्टेटमेंट आ गया था, गॉस लॉ इज गिवन बाय दिस 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 दिस, ऐसे करके स्टेटमेंट दे दिया था। पूछा था यहां पर क्यू इन नहीं लिखा था, क्यू लिखा था, क्या पूछा था? Q इज द चार्ज इनसाइड और आउटसाइड, मतलब ऑप्शन दिया था, चार ऑप्शन दिए थे, इसमें सही पूछना है। Q इज द चार्ज इनसाइड एंड आउटसाइड, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ड्यू टू द चार्ज इनसाइड ओनली, Q E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ड्यू टू द चार्ज इनसाइड एंड आउटसाइड, ऐसे करके चार ऑप्शन बना के दिया था, सही ऑप्शन को चुनना है। तो ध्यान से बताओ मेरे को कि यहां पर जो E था वो E क्या है? E is electric field कहाँ पे? On the surface of the closed surface. किसके लिए? Due to charge inside or outside? Due to both. Q in क्या है? Charge inside. So this depends upon the charge inside, but E depends upon the both the charges inside and outside. तो इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है? Let us write just mathematical expression. गॉस लॉ अगर कोई पूछेगा तो दिमाग में ये आना चाहिए, नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी क्लोज सरफेस इज क्यू इन बाय एप्सिलॉन। दूसरा हुआ कि ई डॉट डी एस का क्लोज लूप इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन, ये गॉस लॉ बोलने से आपके दिमाग में ये आना चाहिए। अब मैं यहां से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन चाहूंगा, स्कूल वाले इतने में निपट जाते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज चाहिए। गॉस लॉ एग्जैक्टली ये नहीं है, क्या मॉडिफिकेशन चाहिए? ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गॉस लॉ ऐसा नहीं है। जब मैं बोलता हूं आप बोलो फिर क्या, मैं जो बोलता हूं बुक वाले न्यूमेरिकल में वही करते हैं, लेकिन क्या होता है उसको वो लोग फॉर्मूला में इंक्लूड नहीं करते। इनफैक्ट गॉस लॉ इन करेक्ट फॉर्म किसके लिए बता रहा हूं, बुक स्कूल में आएगा तो यही लिखना, नहीं तो योर मिस विल मिस यू, वो काट देंगे सब मार्क, ये एप्सिलॉन जीरो लिखना। इंपोर्टेंट क्या हुआ, गॉस लॉ क्या कहता है कि द नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन, उसमें एप्सिलॉन क्या है, वेयर
एप्सिलॉन इज परमिटिविटी एट द बाउंड्री ऑफ, ध्यान से देखना, बाउंड्री ऑफ द क्लोज्ड सरफेस, बाउंड्री ऑफ द क्लोज्ड सरफेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देखेंगे दूसरे क्लास में। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक क्यूब कूलम का चार्ज है और मान लो कि इसके चारों तरफ कोई एक मटेरियल का एनक्लोजर है, ऐसा कोई एक मटेरियल है, मान लो माइका या किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का ऐसा एक हॉलो स्पेस है, उसके अंदर चार्ज रखा है, जिस मटेरियल का परमिटिविटी है एप्सिलॉन वन, इसके इधर बीच में खाली जगह है, हियर इज सम एम्प्टी स्पेस, अगेन ये दोनों के बीच में एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पर दूसरा मटेरियल है, ध्यान रहे ये अलग मटेरियल है, ये दूसरा मटेरियल है, ये दूसरा मटेरियल का लाइंस ऑफ फ्लक्स क्या हो गया, आई मीन परमिटिविटी क्या हो गया, कॉल इट एप्सिलॉन टू, मतलब एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर टू इज एप्सिलॉन टू, अलग अलग। तो ये एक मटेरियल है, ये एयर है बीच में, ये एयर है, ये एयर है, ये एयर है। अब मैं ढेर सारा क्लोज सरफेस देखता हूं, लेट मी सी ए क्लोज सरफेस, लेट मी अकाउंट फॉर ए क्लोज सरफेस। मैं एक क्लोज सरफेस लेता हूं, आई कॉल दिस सरफेस टू बी एस वन, फिर इसके अंदर एक क्लोज सरफेस लेता हूं, ध्यान से देखना वीर जवानों, ये एस टू, हर जगह ये गड़बड़ है, कोई नहीं लिखाएगा, कोई नहीं बताएगा, और इसी में वो लोग फंसेंगे और ऐसे फंसेंगे बुरे हाल में कि थथा मामा करके न्यूमेरिकल को पार करवा देंगे। मैं देखता हूँ ऑनलाइन में लोग क्या पढ़ा रहे हैं, कल भी देख रहा था। तो ये कोई एक तीसरा क्लोज सरफेस है, ध्यान से देखो, ये इसका नाम दिए एस थ्री, और ये चौथा क्लोज सरफेस है, कोई भी क्लोज सरफेस किसी भी शेप का हो, ये क्लोज सरफेस है, इसका नाम है एस फोर, और इससे बाहर और एक क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, कॉल इट एस फाइव। क्या आपको मैं केस क्या है समझा पाया? तो ये हुआ एक मीडियम, ये हुआ दूसरा मीडियम, है ना, और बीच में इसे क्लोज सरफेस दिए। नाउ नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ, नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्लोज्ड सरफेस S1 इज इक्वल टू S1 हुआ, ये अंदर क्या चार्ज है Q बाय एयर का परमिटिविटी एप्सिलॉन जीरो। क्लोज सरफेस S2, S2 कहाँ है, S2 तो इस मीडियम में, इस मीडियम का क्या दिया है एप्सिलॉन वन दिया है, तो हम कहेंगे इट इज Q बाय एप्सिलॉन वन। समझ में आया क्या? क्लोज सरफेस S3, S3, S3 फिर से एयर में आ गया, देखो ये वाला S3 है, ये वाला S3 है, ध्यान से देखना, इट इज अगेन Q बाय एप्सिलॉन जीरो। क्लोज सरफेस S4, देख लो S4 एक दूसरा मीडियम में है, इस मीडियम में है ये सरफेस, यहां से ये सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा, इट इज Q बाय एप्सिलॉन टू। क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस S5, Q बाय एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि वो एयर में। समझ में आया, ध्यान से देखना, यही है गॉस लॉ, गॉस लॉ की धज्जियां उड़ा दिए एनसीईआरटी वालों ने। अब देखो इसमें ये अगर मान लो कि ये कंडक्टर है, सपोज ये डाइलेक्ट्रिक है, ये जो मीडियम टू दिखाया हूं ये कंडक्टर है, ठीक है, एल्युमिनियम कैसे रखा है, और आप जानते हो कि कंडक्टर के अंदर फ्लक्स क्या होता है, जीरो, नो फ्लक्स कमिंग आउट, तो S4 से क्या फ्लक्स निकल रहा है, कोई फ्लक्स नहीं निकल रहा है, क्योंकि कोई फ्लक्स है ही नहीं, तो निकलेगा कहां से, तो कैसे होगा, फिर इस फॉर्मूला के हिसाब से कंडक्टर के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन आर का वैल्यू फॉर कंडक्टर बिकम्स इंफिनिटी, आपको याद है,
तो सोचो अब S4 सरफेस से क्या निकलेगा, इंफिनिटी डालो, इट विल बी कमिंग आउट टू बी जीरो। कहने का मतलब हुआ the amount of flux passing through each of these surfaces is not the same। आप बोलोगे सर बड़ा खूंखार बात बोल दिया, यहां से जो फ्लक्स निकल रहा है वो तो जाएगा ही। अरे नहीं, ये ब्लॉक का फ्लक्स आएगा, मान लो यहां से 25 टू फ्लक्स निकलेगा, यहां पर आके खत्म हो जाएगा, फिर यहां से कुछ कम फ्लक्स निकलेगा, यहां से 25 निकल रहा है, यहां से अंदर से निकलेगा 20, फिर यहां से निकलेगा फिर 25, फिर यहां से 20, क्या होगा, इस बीच में डाइपोल्स अरेंज हो जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव होके, फ्लक्स आके यहां पे खत्म हो जाएगा, यहां से शुरू होके जाएगा। अरे बेटिंग ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर डाइपोल से ऐसे अलाइनमेंट हो जाएगा, ज्यादा फ्लक्स एयर पे निकलेगा, नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाएगा, और जो खत्म नहीं हुआ वही पार करके जाएगा, तो लेस फ्लक्स विल पास थ्रू दी डाइलेक्ट्रिक। समझ में आया क्या? यस सर। यस। इसकी बड़ा सा रूप जो विश्व रूप जिसको कहते हैं, बड़ा सा रूप को हम लोग जेई क्लास में और भी डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। अगर गॉस लॉ समझ में आया तो यहां से कुछ इंपोर्टेंट चीजें हमें समझ में आना जरूरी है, ध्यान से देखना। पहला, नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ए पॉइंट चार्ज क्यू कूलम इज, कोई एक क्यू कूलम का चार्ज है यहां पे, ठीक है, हम बोलते हैं यहां से फ्लक्स निकल के जा रहा है, तो फ्लक्स निकल के जा रहा है तो कितना नो फ्लक्स जा रहा है कैसे पता करेंगे, आप उसके चारों तरफ एक क्लोज सरफेस इमेजिन करो, इस सरफेस से जितना फ्लक्स निकल के आ रहा है दैट इज व्हाट इज द फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस चार्ज। नहीं, अगर हम एक क्लोज सरफेस कंसीडर करेंगे इसमें से कितना फ्लक्स निकल के आ रहा है, q / epsilon 0, तो इज q / epsilon 0, तो हर एक q कूलम चार्ज से जो फ्लक्स निकलता है वो कितना है, q / epsilon 0। समझ में आ गया, क्वांटाइजेशन ऑफ फ्लक्स, मतलब अगर हम कहेंगे कि यहां पर दो चार्ज दिए गए हैं, एक q1 है और एक q2 है, देख के बताओ इनमें से कौन सा चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ये है ये है, ऐसे करके इसमें से फ्लक्स निकल रहा है और इसमें से भी कुछ फ्लक्स निकल रहा है, तो यू सी द फिगर एंड टेल मी ठीक है। एग्जांपल में मेडिकल एंट्रेंस वालों का आता है ऐसे क्वेश्चन, व्हाट इज टाइप ऑफ चार्ज, व्हाट इज टाइप ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2, इसमें से कौन सा चार्ज पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, टाइप ऑफ चार्ज, फिगर देखिए बताओ, फ्लक्स निकल रहा है, फ्लक्स निकल रहा है मतलब आंसर क्या होगा, Q1 इज पॉजिटिव, Q2 इज नेगेटिव, ठीक है। दूसरा बिट नंबर वन को ही बता रहा हूं, बिट नंबर टू एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहा है, फाइंड Q1 by Q2 का मैग्नीट्यूड, Q1 by Q2 का मैग्नीट्यूड, Q1 से जो फ्लक्स निकल रहा है वो 6 दिख रहा है, Q2 से जो निकल रहा है वो 4 दिख रहा है, तो आप क्या कहोगे सॉल्यूशन में, Q1 by epsilon naught is 6, Q2 by epsilon naught is 4, ठीक नहीं, तो Q1 by Q2 का मैग्नीट्यूड, क्यों मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, क्योंकि ये नेगेटिव है, Q1 by Q2 is 6 by 4, that is 3 by 2, the charges are in the ratio 3:2, merely looking at the lines of flux you can tell, समझ में आ रहा है क्या, ठीक, पॉइंट नंबर टू, नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ए पॉइंट चार्ज q कूलम इज q / epsilon 0, ठीक है, इसको थोड़ा मैं रेक्टिफाई करूंगा, इन एयर अब मेरे को कोई दो राय नहीं है, इज q / epsilon 0, सपोज कोई q कूलम चार्ज को एक ऑयल टैंक के अंदर डुबा के रखे हैं, नाउ इट इज इनसाइड ऑयल, व्हाट इज द फ्लक्स कमिंग आउट, सेम और डिफरेंट, इट विल बी डिफरेंट,
तो हम क्या कहेंगे, नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ए क्यू कूलम चार्ज इन ऑयल एप्सिलॉन आर इज फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर। तो इसका मतलब कोई चार्ज को ऑयल के अंदर रखेंगे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि चार्ज को एयर में रखेंगे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, जहां पर ज्यादा फ्लक्स वहां पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑयल के अंदर कम फ्लक्स है क्योंकि एप्सिलॉन आर नीचे आ गया तो ऑयल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम बनाएगा, है ना। और जो आपका सेम चार्ज को बाहर ले आएंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। रिमेंबर, अगर बाय चांस आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे और उसमें हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग को आप अपना स्पेशलाइजेशन पेपर लोगे तो देखोगे सारा हाई वोल्टेज की चीजों को ऑयल में डुबो के रखते हैं। क्यों? क्योंकि वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड। यू विल सी द ट्रांसफॉर्मर, द एंटायर ट्रांसफॉर्मर जो टैंक में आप देख रहे हो, इट इज नॉट जस्ट इनसाइड द टैंक, उसके अंदर पूरा ऑयल भरा हुआ है और ट्रांसफार्मर को उसके अंदर डुबा के रखे हैं, पूरा ऑयल में डुब के रखा है। दो रीजन होता है, एक होता है इट हेल्प्स फॉर कूलिंग, ठीक है, कैसे होता है जब ट्रांसफार्मर पड़ेगा तो बताएंगे कूलिंग कैसे करता है। दूसरा होता है टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ऑयल को आप लीक करके बाहर निकाल दोगे, वो टैंक जो बाहर इतना बड़ा ट्रांसफार्मर लगा है उसमें एक कांटी ठोक दो, ऑयल निकल गया, ड्राई हो गया अंदर, जैसे ड्राई हो गया वो इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि दो वायर के बीच में शॉर्ट सर्किट होगा, वो जल जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर को फूंक देना बड़ी आसान सी चीज है, किसी को बताना मत, आप में से कोई बड़े हो कि टेररिस्ट भी बन सकता है, सो प्लीज डोंट डू दिस, समझ में आया, ठीक है। तो नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ए क्यू कूलम चार्ज इन ऑयल इज एप्सिलॉन आर, ऑयल मतलब इसका परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, क्या होगा क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो इनटू एप्सिलॉन आर, अच्छा ठीक है। नंबर थ्री, अब हम देखेंगे कि जब भी किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कंडक्टर को रखते हैं तो उसमें चार्ज इंड्यूस होता है, कितना चार्ज इंड्यूस होता है, हम जानते थे कि इधर जितना चार्ज होगा, यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है, इस पॉजिटिव चार्ज के चलते यहाँ पर कोई कंडक्टर रखे, यहाँ पर कुछ माइनस क्यू इंड्यूस होगा, यहाँ पर प्लस क्यू होगा, लेकिन कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस चार्ज, वो अभी तक हम लोग नहीं देखे थे। नाउ वी शैल सी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस्ड, एग्जैक्ट चार्ज इंड्यूस्ड। चलो पहले समझते हैं कि सपोज हम कहेंगे यहां से कुछ चार्ज है, यहां से कुछ फ्लक्स इधर आया, कितना फ्लक्स यहां से निकल रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन इधर आया कितना फ्लक्स, इधर को आ रहा है सपोज 5 फ्लक्स, इधर भी कुछ जा रहा होगा, हमको उससे मतलब नहीं है, कुछ जा रहा होगा इधर, ठीक है। और हमें सोचना है कि इधर से 5 फ्लक्स आ रहा था, ये जो 5 फ्लक्स आया किसी कंडक्टर के पास आया, आके यहां पे खत्म हो गया, अंदर नहीं गया, फ्लक्स कैसे खत्म हो जाएगा, हाँ क्योंकि वो तो पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा था, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मिल गया तो दिल फिर गया, वो यहीं पे रह गया और आगे नहीं गया, तो 5 फ्लक्स आएगा तो इतनी चार्ज, कुछ चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हुआ। हम ये जानना चाहते हैं इफ 5 अमाउंट ऑफ फ्लक्स रीचेस ए कंडक्टिंग सरफेस व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस्ड ऑन इट, 5/7। चलिए देखते हैं, if 5 amount of flux reaches a conducting surface what will be the charge induced on it, थोड़ा ध्यान से देखो, suppose हम कहेंगे कि यहाँ पर minus q charge induced हुआ, कहाँ पे हुआ, ये minus charge है, minus charge है, minus charge है, minus charge है, कितना है minus q charge induced हुआ है, मैं ये minus q के चारों तरफ एक closed surface लेता हूँ, इधर कोई flux निकल रहा है क्या, नहीं ये conductor है, कोई flux नहीं अंदर, इधर हाँ इधर एक घुस रहा है, कितना 5 फ्लक्स, तो व्हाट विल से व्हाट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस क्लोज सरफेस, व्हाट इज द नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस क्लोज सरफेस, यू विल से 5 और -5 और 0, नेट फ्लक्स एसोसिएटेड इज 5 फ्लक्स गोइंग आउट माइनस फ्लक्स गोइंग इन, व्हाट इज द फ्लक्स गोइंग आउट, इस सरफेस से तो कोई फ्लक्स बाहर नहीं जा रहा, फ्लक्स गोइंग इन इज 5, इसका मतलब नेट फ्लक्स एसोसिएटेड कितना हो गया, इट इज कमिंग आउट टू बी -5, समझ में आया।
बट नेट फ्लक्स एसोसिएटेड बाय गॉस लॉ कितना है, इधर चार्ज बाय एप्सिलॉन 0, सो इट इज ए माइनस q बाय एप्सिलॉन 0 इज माइनस 5, सो व्हाट इज q, 5 एप्सिलॉन 0, समझ में आ रहा है क्या? इफ हाई अमाउंट ऑफ फ्लक्स रीचेस ए कंडक्टिंग सरफेस हाउ मच चार्ज इट विल इंड्यूस, माइनस q, वेयर q इज 5 एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग लिखेंगे, बोर्ड वालों को ज्यादा डिटेल्स में नहीं चाहिए, जेई क्लासेस में इसका और ज्यादा खुलासा करेंगे, अभी तो हम लोग खाली स्टेटमेंट ले लेंगे। क्या है स्टेटमेंट, व्हेन हाई अमाउंट ऑफ फ्लक्स रीचेस ए कंडक्टर द अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस्ड इज माइनस 5 एप्सिलॉन 0, अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस्ड इज माइनस 5 एप्सिलॉन 0। ध्यान रहे, अगर हम कहेंगे कि यहां पर कोई एक लाइन्स ऑफ फ्लक्स ए से आ रहे हैं, कितना फ्लक्स आ रहा है, 5 फ्लक्स आ रहा है, तो यहां पर कुछ माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हुए, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हुए, और ये क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 एप्सिलॉन 0, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएंगे। अब कितने ज्यादा फ्लक्स पहुंच रहे हैं वो डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, खाली स्टेटमेंट देख लो, ज्यादा अंदर मत जाओ, फंस जाओ, ठीक है। ये हो गया हमारा, अगर कोई कंडक्टिंग सरफेस पे हाई अमाउंट ऑफ फ्लक्स पहुंचेगा तो उसमें पहुंचेगा तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, वहां से निकल रहा होगा तो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, तो पहुंच रहा है तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, कितना q इज इक्वल टू हाई एप्सिलॉन 0, इधर होगा माइनस q और उधर होगा प्लस q, इतना याद रखना, बाकी का खुलासा जेई ग्रुप में होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना, एक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूं पॉइंट नंबर 3 पे। सपोज हम कहेंगे हियर इज ए क्यू कूलम चार्ज, इट इज बीइंग सराउंडेड बाय ए कंडक्टिंग स्फीयर, इट इज बीइंग सराउंडेड बाय ए कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर इसके चारों तरफ रख दिए हैं, ए हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर सराउंड्स ए प्लस क्यू कूलम चार्ज, फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस्ड इन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ स्फीयर, इनर सरफेस और आउटर सरफेस में क्या चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है, बोर्ड का क्वेश्चन है, चिंता की कोई बात नहीं, सॉल्यूशन में यहां पर करूंगा। क्या स्टेटमेंट में यूज करने वाला हूं, इफ हाई अमाउंट ऑफ फ्लक्स रीचेस ए कंडक्टिंग सरफेस द चार्ज इंड्यूस्ड विल बी माइनस 5 एप्सिलॉन 0, ये अपना दिमाग में है, ठीक ठीक। तो पहले देखेंगे कि फाइन फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ क्यू कूलम चार्ज इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0, हमने बोले, कौन बोले, गॉस लॉ, है ना, ठीक है। तो यहां से कितना फ्लक्स निकल रहा है, बाबा ये फ्लक्स निकल रहा है, क्या जो भी फ्लक्स निकल रहा है वो कंडक्टिंग स्फीयर के पास पहुंच रहा है, सो दैट इज सेम एज द फ्लक्स रीचिंग द स्फीयर, ये तो फ्लक्स भी स्फीयर के पास पहुंच रहा है तो चार्ज इंड्यूस करेगा, सो चार्ज इंड्यूस्ड ऑन इनर सरफेस जहां पे फ्लक्स पहुंच रहा है
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस थाई एप्सिलॉन जीरो, थाई क्या था क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, वैल्यू डालो माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू माइनस क्यू, मतलब अंदर आपको क्या चार्ज मिलेगा, ये जो हॉलो स्फीयर है इसके अंदर आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगा, कितना नेगेटिव चार्ज मिलेगा माइनस क्यू, क्यों, क्योंकि अंदर क्यू रखे। अब जैसे जितना चार्ज यहां पर इंड्यूस होगा, इंडक्शन का प्रोसेस में बता चुका हूं, इसके इलेक्ट्रॉन्स भाग के इधर आ गए, उनके पॉजिटिव चार्ज बाहर मिलेंगे, नहीं बाहर मिलेंगे, तो बाहर क्या चार्ज मिलेगा, अगर अंदर हो गया माइनस क्यू तो बाहर होगा प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, सो प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी अपीयरिंग ऑन द आउटर सरफेस, चार्ज ऑन आउटर सरफेस इज इक्वल टू प्लस क्यू। समझ में आया क्या, क्या ये चीज में सबको ठीक ठाक समझा पाया? यस सर, यस यस यस। मैं सेम क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव ला रहा हूं, पहले ये पूरा स्फीयर था, अब क्या क्या, ये हॉलो हेमिस्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर सराउंड से प्लस क्यू कूलम चार्ज इज शोन, फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस्ड इन द इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर, अब अंदर बाहर कितना होगा, ठीक है, तो पहले देखेंगे कि यहां से कितना फ्लक्स निकल रहा है, कितना फ्लक्स निकलेगा सुनिना, हाउ मच फ्लक्स विल बी कमिंग आउट फ्रॉम हियर, क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, ये तो गॉस लॉ है हम जानते हैं। अच्छा, जो फ्लक्स निकलेगा क्या वो सारा फ्लक्स ये कंडक्टिंग स्फीयर के पास पहुंचेगा, नहीं, ये जो फ्लक्स निकलेगा तो चारों तरफ ऐसे जाता है, हम लोग पहला क्लास में ही किए थे, लाइंस ऑफ फ्लक्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज आर लाइक दिस, मतलब अगर सारा तरफ फ्लक्स ऐसे जा रहा है तो ऊपर कितना फ्लक्स जा रहा होगा, आधा नीचे जा रहा होगा, आधा है कि नहीं, तो हम कहेंगे फाई डैस फ्लक्स रीचिंग द स्फीयर कितना है, फाई बाई टू बड़ीदार क्यू बाय टू एप्सिलॉन जीरो, क्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. Now the charge induced on the inner surface is minus phi epsilon zero. Phi mean phi dash. Phi dash epsilon zero. तो क्या हो जाएगा? Q by 2 epsilon zero into epsilon zero is minus Q by 2. So the charge induced on the inner surface will be minus Q by 2. Charge on the outer surface. ये तो कोई भी बता देगा. अंकिता पंडा बता सकते हो क्या? What is the charge on the outer surface? What will be charge on outer surface? अगर अंदर माइनस क्यू बाई टू हुआ है तो प्लस क्यू बाई टू, बंद करो माइक्रोफोन, प्लस क्यू बाई टू, समझ में आ रहा है क्या? यस सर, यस, ये चीज समझने वाली बात हुआ, तो मेरे ख्याल से क्योंकि इस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको मैं कुछ कुछ समझा पाया, ठीक है, तो मैं आपको ये दूसरा एक छोटा सा क्वेश्चन देना चाहता हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ये हो गया, इसको मिटाता हूं, यहां पर एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके ऊपर क्यू चार्ज है, यहां पर एक दूसरा कंडक्टिंग स्फीयर है, इसमें है 2q चार्ज, क्या क्वेश्चन दिया है, 2 कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स, कंडक्टिंग स्फीयर्स हैव चार्जेस, क्या चार्ज है, q एंड 2q, व्हाट इज the charge appearing, bit number one, what are the charge appearing on the four surfaces, char surfaces, 1, 2, 3, 4, four surfaces of the two spheres,
इफ आउटर स्फीयर इज कनेक्टेड टू ग्राउंड फॉर चार्ज विल फ्लो थ्रू ग्राउंड कनेक्शन क्या दिया है बाहर वाला स्पीयर को अगर ग्राउंड के साथ जोड़ देंगे कितना चार्ज फ्लो करेगा चलिए देखते हैं हमें दो स्पीयर का चार सरफेस पे चार्ज चाहिए चलिए सोचते हैं क्या होने वाला है क्या दिया है एक छोटा स्पीयर कंडक्टिंग हॉलो स्पीयर जिसमें चार्ज क्यू है एक दूसरा बड़ा वाला स्पीयर जिसमें चार्ज 2q है पहले सोचो कि ये छोटा वाला जो कंडक्टिंग स्पीयर है उसको अगर हम चार्ज q देंगे वो चार्ज कहां रहेगा अंदर वाले सरफेस में कि बाहर वाले सरफेस में कि दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होकर रहेगा कहां रहेगा वो चार्ज एनी चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर गोस टू द सरफेस तो सरफेस वाले यहां पर होगा जीरो चार्ज 2 में क्या होगा q चार्ज है कि नहीं अच्छा ये क्यू कूलम चार्ज यहां पर आएगा जीरो अच्छा इसको जब 2q दिए वो कहां पे आएगा ये भी सरफेस पे ही आएगा ये 3 में आएगा सॉरी 3 है ये 4 है ये इसमें कितना चार्ज आएगा 2q और इसमें जीरो लेकिन अब प्रोसेस कंटिन्यू करता है क्यू चार्ज के चलते फ्लक्स निकलेगा क्यू चार्ज से निकलता हुआ सारा फ्लक्स अगर कहीं जाके पहुंचेगा तो कितना चार्ज इंड्यूस करेगा प्लस क्यू से निकलता हुआ सारा फ्लक्स पहुंचता था अभी थोड़ी देर पहले किए थे इट वाज इंड्यूसिंग माइनस क्यू चार्ज है कि नहीं तो यहां पे आपको मिलेगा थर्ड सरफेस में माइनस क्यू चार्ज अगर अंदर हुआ माइनस क्यू बाहर कितना होगा प्लस क्यू यस नाउ ऑन सरफेस वन चार्ज इज जीरो ऑन सरफेस टू व्हाट इज द चार्ज ऑन सरफेस टू व्हाट इज द चार्ज कमिंग आउट टू बी ऑन सरफेस टू चार्ज कितना हुआ क्यू ऑन सरफेस थ्री चार्ज कितना हुआ माइनस क्यू ऑन सरफेस फोर ऑन सरफेस फोर चार्ज कितना होगा पहले 2q था और प्लस क्यू आ गया तो कितना हो जाएगा चार्ज विल बी 3q देखो तो टोटल चार्ज क्या है सब जोड़ो टोटल चार्ज कितना है 3q ही तो है और इसमें भी तो था वही टोटल चार्ज इज कंजर्व चार्ज इज नॉट गोइंग टू चेंज टोटल चार्ज इज रिमेनिंग सेम 3q बट द डिस्ट्रीब्यूशन हैव डिफर नाउ इट इज 0q माइनस 2 3q क्या मैं बिट नंबर 1 सबको समझा पाया यस अभी अगर बाहर वाला स्फीयर का ग्राउंड के साथ कनेक्शन जोड़ देते हैं तो ये स्विच है एस बिट नंबर 2 में व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड जैसे क्लोज किए अब ये माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज में आपस में फोर्स से पकड़ के रखें ये चार्जेस तो फ्री चार्जेस तो ये सारा का सारा चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएंगे कितना चार्ज आएगा यहां से आएगा माइनस 3q क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो आता जाता है बॉस्टी चार्ज तो जाता नहीं तो माइनस 3q चार्ज आएगा आगे इनको न्यूट्रलाइज कर देगा तो कहेंगे 3q कूलम चार्ज क्लोज थ्रू स्विच आप हो गए सर कैसे आया सर ये सर यहां क्यू था इधर 2q था जोड़े तो 2q जाना चाहिए 3q कहां से आया अरे आया 3q गया 3q चला गया और इधर हो जाएगा माइनस क्यू क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है ये पूरा का पूरा चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा थ्रू दिस ठीक है पूरा का पूरा चार्ज
यूटिलाइज हो जाएगा। देख लो।